सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों बवाल होने वाला है। यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी मूवी जो है जवान, उसको चाइना में रिलीज करने की बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स प्लान बना रहे हैं कि जवान मूवी जो कि इंडिया में 600 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन ये विदाउट चाइना कलेक्शन है। अब प्लान बनाया जा रहा है कि जवान मूवी को चाइना में भी रिलीज किया जाना चाहिए। नो डाउट दोस्तों, अगर जवान को चाइना में रिलीज किया जाता है तो ये सिर्फ चाइना अकेले से ही 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन यहां पर बात ये निकल कर आती है कि मेकर्स कितने समझदार है कि चाइना में रिलीज होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जवान मूवी चाइना में रिलीज की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब अगर दोस्तों हम कुछ अपकमिंग मूवीज की बात करें, यानी जो पहले निकल चुकी है, तो वहां पर दोस्तों पठान मूवी सबसे बड़ी मूवी थी, और वहां पर भी जो वायरस है, जो पठान के मेकर्स हैं, वो प्लान सिर्फ करते ही रह गए कि पठान को चाइना में रिलीज करना है, लेकिन उन्होंने पठान को चाइना में रिलीज किया ही नहीं। अब दोस्तों अगर हम देखें आमिर खान की जितनी भी मूवीज होती है, चाहे वो दंगल मूवी हो, चाहे वो सीक्रेट सुपरस्टार मूवी हो, जब वो चाइना में रिलीज होती है तो कम से कम 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन करती है। लेकिन वहीं पर बता दें कि चाहे दंगल मूवी हो या सीक्रेट सुपरस्टार मूवी हो, ये एक्शन फिल्में नहीं थी, ये एक ड्रामा फिल्में थी, इसलिए उन्होंने चाइना में बहुत ही ज्यादा कलेक्शन किया था। और जो जवान मूवी है वो पूरी की पूरी फुल एक्शन मूवी है, इसलिए अगर जवान मूवी को चाइना में रिलीज किया भी जाता है तो वो मूवी वहां पर मुश्किल से 150 से 200 करोड़ से कलेक्शन से ज्यादा का कलेक्शन नहीं कर पाएगी। अब फिलहाल मेकर्स अभी तक फाइनल नहीं है कि क्या चाइना में रिलीज करना चाहिए जवान को कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो चाइना में रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप चाइना में एक भी बार शाहरुख खान की कोई भी मूवी को रिलीज नहीं करेंगे, वहां की ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि इंडियन सिनेमा की मूवीज कैसी होती है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से रिलीज होना चाहिए चाइना में या नहीं होना चाहिए। अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।